शुभ प्रातः मित्रों, मैं मनोज मेहरा आपका अपने चैनल योगो निरोग पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि प्रत्येक बार करते रहते, क्या ये 4P पद्धति होती है, उसके बारे में कैसे मैं आपको विभिन्न प्रकार से 4P पद्धति उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास करता रहता हूं। आज भी एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों 4P पद्धति हमें अपनानी चाहिए, क्या 4P पद्धति से हमें लाभ होते हैं और क्या 4P पद्धति ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिससे हमारी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, ना कभी औषधि की आवश्यकता पड़ती है जीवन में, ना ही कभी किसी चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। तो मैं आज 4P पद्धति को भी एक उदाहरण के द्वारा ही आपको समझाना चाहता हूं कि क्या कारण है हम 4P पद्धति को ही अपने जीवन में फॉलो करके सही हो सकते हैं, बाकी किसी भी प्रकार की पद्धति से, ना एलोपैथी से, ना आयुर्वेदिक से, ना होम्योपैथी से, ना यूनानी पद्धति से, या किसी भी प्रकार की पद्धति से, किसी भी प्रकार से हमारी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा शरीर सदैव स्वस्थ रहने के लिए बना हुआ है, फिर इसमें बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्या परमात्मा ने हमारे इस शरीर को इस प्रकार से डिजाइन किया था कि हम लगातार समय समय पर बीमार होते रहे। मित्रों, ऐसा नहीं है, प्रभु ने हमारे शरीर को ऐसा कदापि डिजाइन नहीं किया था कि हम समय समय पर बीमार होते रहे। इसके लिए आज मैं आपको एक उदाहरण देने वाला हूँ, शायद उस उदाहरण से आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बात बैठ जाए कि यदि हम 4P पद्धति अपना लेंगे तो जीवन पर्यंत कभी बीमार नहीं होंगे, कभी हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, हमेशा एनर्जी से भरपूर रहेगा हमारा शरीर, किसी भी प्रकार की औषधि की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी प्रकार से चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि आप चाहते हैं जीवन पर्यंत बीमार ना होना, जीवन पर्यंत कभी किसी चिकित्सक के पास ना जाना, और इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे, कहीं भी किसी भी बात को स्किप करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आती है, आपको दिलचस्पी नहीं है, तो छोड़ के चले जाएं, आगे पीछे करके अपना समय व्यतीत ना करें, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। थोड़ा सा देख के एक छोटा सा ओपिनियन आपने गलत सही बना लिया तो उससे मुझे तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपका नुकसान होने की संभावना है। अतः प्रयास करें कि वीडियो को शुरू कर लिया तो पूरा देखें, अन्यथा यहीं पर छोड़ दें। वीडियो शुरू करने से पहले एक और अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आपको मेरी बात समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने से मुझे लगेगा कि शायद लोग बाग मेरी बात समझते हैं, वो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि बीमार होना, तो मैं इस प्रकार की और वीडियो बनाता रहूं। और यदि आप इसको अपने 4P पद्धति को जीवन में फॉलो करते हैं और आपको लाभ होने लगता है, तो फिर आपसे इसकी सेवा में एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने एक संकल्प लिया हुआ है, मेरी टीम ने एक संकल्प लिया हुआ है कि हमारा पूरा देश निरोग हो, पूरा राष्ट्र स्वस्थ हो, ना किसी को औषधि की आवश्यकता हो, ना किसी चिकित्सक की आवश्यकता हो। जब हम लोग चले जाएंगे, हमारी एक पीढ़ी या उससे अगली पीढ़ी कभी भविष्य में होगी, आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद, तो उन लोगों को पता ना हो कि डॉक्टर या चिकित्सक कुछ होते थे हमारे देश में, कोई चिकित्सा पद्धति की भी आवश्यकता होती थी, क्योंकि सभी लोग 4P पद्धति को फॉलो कर रहे होंगे, कोई बीमार नहीं पड़ रहा होगा, ऐसा मेरा स्वप्न है। तो उस स्वप्न में यदि आप चाहते हैं कि सहयोग करें, तो इसका प्रचार प्रसार करें, इसको यूट्यूब के वीडियोज को शेयर करा करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, या मुझे बानी अपने मिलने वालों को, अपने परिवारजनों को, अपने मोहल्ले वासियों को कहा करें कि हमें 4P पद्धति से लाभ हो रहा है, आप भी 4P पद्धति का लाभ उठाइए। ऐसे मेरी आप लोगों से अनुरोध है, विनती है। आज का जो मैं उदाहरण आपको देने वाला हूँ, उसमें आपने सुना होगा कुछ लोग के सर्दियां शुरू होने पर होंठ फटते हैं, सर्दियां चली जाती हैं तब भी होंठ फटते रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत से लिपस्टिक लगाते हैं, चिपस्टिक लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं, जेली लगाते हैं। आज होंठों पे जेली लगाई, सही हो जाते हैं, दो दिन बाद फिर फट जाते हैं, फिर जेली लगा लेते हैं, जो भी वो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो लगातार कंटिन्यूस पूरे सीजन में उनका चलता रहता है। तो अब इसमें गहराई से समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोग इस जेली लगाने के स्थान पर क्या करते हैं, अपनी नाभि में तेल लगा लेते हैं, सरसों का, नारियल का, तिल का, जो भी उन लोगों की मान्यता है, जिस भी प्रकार से वो कार्य करना चाहते हैं। लेकिन परंतु किंतु दोनों कार्यों में भेद गया, इस बात को समझें। जो लोग रेगुलर अपना लिपस्टिक, चिपस्टिक या जेली लगा रहे हैं, उनको रेगुलर लगानी पड़ती है, उनके होंठ पे तुरंत आराम आ जाता है, फिर दो दिन बाद, चार दिन बाद फिर समस्या आ जाती है, फिर हमारा आराम आ जाता है, फिर समस्या आ जाती है। लेकिन जो लोग नाभि में तेल डाल लेते हैं, उनको बाद में समस्या नहीं आती है, उनकी समस्या जड़ से सही हो जाती है। आप लोग भी शायद ऐसा करते होंगे, दोनों प्रकार के आप व्यक्ति हो सकते हैं। मैं इसकी बहस में या इसके कारण में नहीं जा रहा हूं कि आपको जेली लगानी चाहिए या आपको सरसों का तेल लगाना चाहिए, मैं उसके बारे में जानकारी नहीं रखता हूं,
जिस बारे में जानकारी मैं रखता हूं उस बारे में आपसे बात करने वाला हूं मैं 4P पद्धति के बारे में। अब हम इस 4P पद्धति के संक्षेप में 4P पद्धति के संदर्भ में इस बात को एग्जामिन करते हैं। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, उनको थायराइड की समस्या होती है, उनको शुगर की बीमारी होती है, उनको कैंसर होता है, उनको कोई भी समस्या होती है, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, कुछ समय के लिए सही हो जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, डॉक्टर साहब दवाई असर नहीं कर रही है, डॉक्टर साहब थोड़ी सी डोज बढ़ा देते हैं, फिर कुछ सही हो जाता है, फिर कुछ समय अंतराल के बाद फिर वो बीमारी बढ़ती है, फिर डॉक्टर साहब थोड़ी सी डोज बढ़ा देते हैं और हमारी बीमारी में आराम हो जाता है। लेकिन यह एक सिलसिला चलता रहता है, हमारा शरीर कष्ट पाता रहता है, हम बीमार होते रहते हैं, दवाई की डोज बढ़ती रहती है, लेकिन हमारा पीछा नहीं छूटता है। वही केस हो जाता है, हम बार बार अपने होठों पर जेली लगाते रहते हैं, हमारा पीछा नहीं छूटता है। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो यहाँ पर तेल लगा लेते हैं और हमारा पीछा छूट जाता है। इसी प्रकार से इन बीमारियों को यदि हम दूर करना चाहते हैं, थायराइड को, बीपी को, शुगर को, कैंसर को, नजले को, बुखार को, सिर दर्द को, माइग्रेन को, किसी भी बीमारी को, उसका नाम चाहे कुछ भी हो, तो हमें वो कार्य करना पड़ेगा कि अपनी नाभि पर तेल डालना पड़ेगा। मतलब यह नहीं है कि आपने हर बीमारी के लिए नाभि में तेल ही डालना है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि वहां से आपने प्रेरणा लेनी है और वो कार्य करना है कि हमें वो बीमारी दोबारा बार बार ना हो। वो कब हो सकता है? जब हमें पता चले कि हमारे शरीर में बीमारियां क्या होती हैं, ये बीमारियां कैसे जाने हम, क्या हो सकता है, किस बीमारी का क्या असली जड़ है वो हम कैसे जाने, वो जानकारी हमें सिखाती है 4P पद्धति। वो जानकारी हमें बताती है 4P पद्धति क्या, किस प्रकार से 4P पद्धति को अपनाकर हम अपने जीवन में वो परिवर्तन कर सकते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं होगी। वो बीमारियों की जड़ जो डॉक्टर नहीं हटा रहा है, दवाई दे रहा है, हमारी दवाई बीमारी को दबाने की, वो जड़ हमें हटानी है। वही जड़ हटाने का तरीका 4P पद्धति में बताया जाता है, जो कि मैंने आपके आज के शुरू के एग्जाम्पल समझाया कि होठों पर जेली ना लगाकर नाभि में तेल लगा लेते हैं तो परमानेंट हमारे होठ फटनों की समस्या खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम वो क्या करें, वो ऐसा क्या तरीका ढूंढें कि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे और किसी बीमारी के जाल में ना उलझे, और वो साइक्लिक जो प्रोसेस है, बार बार दवाई ले रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार दवाई ले रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, उस साइक्लिक प्रोसेस से बाहर आ जाए, चक्रव्यूह का टूट हो जाए या चक्रव्यूह नष्ट हो जाए, हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहें, यही 4P पद्धति में बताया जाता है। 4P पद्धति में आपको बताया जाता है क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्यों खाएं। अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जान जाते हैं, 4P पद्धति की सारी वीडियोस को देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको मैं मित्रों विश्वास दिला सकता हूं, आपको मैं मित्रों स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं, आपको मैं मित्रों हर प्रकार से आश्वस्त कर सकता हूं, आप जीवन पर्यंत कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बीमारी, बड़ी बीमारी, बीमारी का नाम कोई भी हो, डिसीज कोई भी हो, आप हमेशा कंफर्टेबल रहेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप हमेशा मस्त रहेंगे, कभी चिकित्सक के पास नहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी, कभी किसी दवाई को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको 4P पद्धति को फॉलो करना है। 4P पद्धति को में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसके ऊपर मैंने ढेर सारी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिस्ट, उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां पर आप जाएं, सारी वीडियोस को धीरे धीरे एक एक बार, दो दो बार ऑब्जर्व करके देखें, समझे 4P पद्धति में हमें क्या करना होता है। कोई बात समझ नहीं आती है, कोई भी समस्या आती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927278327, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं हमेशा सबसे पहला कार्य करता हूँ, किसी का भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई समस्या आती है, उसको सबसे पहले जवाब देने का प्रयास करता हूँ। मैं कितना भी व्यस्त हूँ लेकिन कभी देर नहीं करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि चाहे 10 मिनट बाद, चाहे 15 मिनट बाद, चाहे अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में, मैं उसको कम से कम समय में जवाब देने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप पूरी तरह से 4P पद्धति को समझें, अपने जीवन में फॉलो करें, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए काफी है मित्रों, कभी भी कोई भी समस्या आती है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, मैं सदैव तत्पर हूँ आपके लिए, अन्यथा ना लें मेरी बातों को। एक बात बिल्कुल हर हालत में मेरा अनुरोध है, आप 4P पद्धति को फॉलो करके देख लें, आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं, छोटी से छोटी बीमारियां सभी दूर हो जाएंगी, आपको महसूस होगा यह तो एक चमत्कार है। आज के लिए काफी है मित्रों, आप सारी बातें समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो तक परम पिता परमात्मा से मैं अनुरोध करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, आप जीवन पर्यंत निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत।